अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सीएम भूपेश बघेल ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पूरी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है भगवान गणेश की आराधना का पर्व। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 21 सितंबर को आएंगी भिलाई। यहां आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में होंगी शामिल। इसके बाद 28 को पहुंचेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जबकि 25 सितंबर को राहुल गांधी का प्रस्तावित दौरा हुआ कैंसिल। विधायक रामकुमार यादव से मिले नोटों की गड्डी मामले में मंत्री कवासी लखमा ने दिया बड़ा बयान। लखमा ने कहा कि रामकुमार यादव के एमएलए बनने से बीजेपी को हो रहा है दर्द, जितना परेशान करेंगे उसका कांग्रेस को होगा फायदा। रायगढ़ में 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के साथ होने जा रहा है 38वें चक्रधर समारोह का आगाज। यहां 3 दिनों तक नृत्य और संगीत का देखने को मिलेगा मनमोहक संगम। 3 दिवसीय समारोह में लोक कला की बिखरेगी छटा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के बिलासपुर, रायपुर, नागपुर के साथ मध्य प्रदेश के शहडोल सहित 14 रेलवे स्टेशनों में रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए हैं 380 सीसीटीवी कैमरे, जिससे अपराधियों की पहचान करने में मिलेगी मदद। आज गणेश चतुर्थी के दिन यात्रियों को लगा बड़ा झटका। रेलवे ने विभिन्न रेल खंडों में मेंटेनेंस कार्य के चलते तीजा पर्व के मौके पर फिर एक बार छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 24 ट्रेनें की रद्द। इसमें 5 ट्रेनें डोंगरगढ़ और दुर्ग से रायपुर तक जाने वाले भी हैं शामिल। बिलासपुर में सर्दी खांसी से पीड़ित 7 माह के मासूम बच्चे की इंजेक्शन लगाने के बाद हुई मौत। उदय चिल्ड्रन अस्पताल में परिजनों ने हंगामा मचाते हुए डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का लगाया है आरोप। मासूम बच्चे को लेकर सर्दी खांसी का इलाज कराने पहुंचे थे परिजन। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून के एक्टिव होने की है संभावना। बुधवार से मानसूनी गतिविधियां एक बार फिर से होंगी तेज। 1 से 2 दिनों में अच्छी बारिश की जताई गई है संभावना। आज भी कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के हैं आसार। रायगढ़ के एक्सिस बैंक में मैनेजर को चाकू मार कर की गई 5 करोड़ से ज्यादा की लूट। ढिमरापुर रोड पर स्थित बैंक में ग्राहक बनकर पहुंचे थे 7 से 8 लुटेरे। सीसीटीवी की मदद से की जा रही है आरोपियों की तलाश। 23वां राज्य स्तरीय साले ताइक्वांडो क्रीड़ा प्रतियोगिता में स्वामी आत्मानंद स्कूल बिलासपुर सीपत के छात्रों का शानदार प्रदर्शन। समीर, भव्य व आराध्या ने ताइक्वांडो में उत्कृष्ट हुनर का प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर के लिए हुए चयनित। 10 से 13 सितंबर तक कोरबा में हुआ राज्य स्तरीय ताइक्वांडो स्पर्धा का आयोजन। स्वामी आत्मानंद स्कूल सीपत के छात्रों ने स्टेट लेवल प्रतियोगिता में दिखाया जौहर। स्वर्ण रजत पदक प्राप्त कर साला को किया गौरवान्वित। प्राचार्य टी विजय लक्ष्मी ने बच्चों को बधाई देते हुए की उज्जवल भविष्य की कामना। कोरबा कटघोरा थाना क्षेत्र के कसनिया नर्सरी मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रेलर। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही हुई मौत। कटर से केबिन को काट कर फंसे शव को निकाला गया बाहर। विनोद यादव उमरिया उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है ट्रेलर चालक की पहचान। कोंडागांव पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास में निवासरत 25 बच्चे सोमवार सुबह खाना खाने के बाद अचानक पड़ गए बीमार। बच्चों को तत्काल जिला अस्पताल में उपचार के लिए कराया गया भर्ती। इन बच्चों को खाने में करेले और आलू की सब्जी के साथ दिया गया था चावल। कोरबा जिले के कटेली पारा बिजरा भावना में गांव के पास जंगल में मिला 11 फीट का मगरमच्छ। ग्रामीणों की सूचना पर वन कर्मियों ने मगरमच्छ को रेस्क्यू कर खूंटाघाट जलाशय में छोड़ा सुरक्षित। चांपी जलाशय से गांव में पहुंचने की है आशंका। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।